नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूँ साक्षी सिंह। चलिए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। देहरादून में ONGC चौक पर हुए हादसे के बाद जिस तरीके से दो लड़के लड़कियों के शव कटकर अलग अलग हुए, उसके बाद से ही लोग इस घटना को देखकर सहम गए थे। इन दो के अलावा चार और लड़के और लड़कियों की मौत हुई थी। हैरानी की बात है कि सड़क दुर्घटना में मारे गए छह छात्रों के परिवारों ने अभी तक पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई है, जिसके कारण अधिकारी कोई भी कार्रवाई करने में असक्षम है। पुलिस ने बताया कि मंगलवार तड़के एक कार और ट्रक के बीच टक्कर में छह छात्रों की मौत हो गई थी और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया था। वहीं से लेकर द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस संभावित कानूनी कदमों के बारे में विशेषज्ञों से राय ले रही है, क्योंकि शुरुआती जांच से पता चलता है कि ट्रक चालक की कोई गलती नहीं थी। दुर्घटना में जान गंवाने वालों में तीन छात्र तीन छात्राएं शामिल हैं, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। रिपोर्ट में बताया गया कि कैंट पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर ने कहा कि वे मामला दर्ज करने से पहले परिवारों की शिकायत का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हमें पीड़ितों के परिवार के सदस्यों से कोई शिकायत नहीं मिली है जिसके लिए मामला दर्ज किया जा सके। छह मृतकों में तीन लड़के और तीन लड़कियां शामिल हैं। देहरादून में मंगलवार सुबह भीषण कार दुर्घटना में छह लोगों की मौत हुई थी और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया था। पुलिस ने बताया कि यह दुर्घटना ONGC चौक पर रात तकरीबन 1:30 बजे के आसपास हुई, जहां तेज रफ्तार इनोवा कार एक कंटेनर ट्रक के पिछले हिस्से से टकरा गई, जिससे कार के परखच्चे उड़ गए। बताया जा रहा है कि इन सभी की उम्र 25 साल से कम थी। घायल युवक की पहचान 25 साल के सिद्धेश अग्रवाल के रूप में की गई है, जिसका सिनर्जी अस्पताल में गंभीर स्थिति में इलाज चल रहा है। उसे सिर में गंभीर चोट लगने के कारण बयान देने की स्थिति में भी वो नहीं है, जिसके कारण जांचकर्ताओं से बात करने में उसे अभी समय लग सकता है। पुलिस को शुरुआती जांच से पता चला है कि कंटेनर ट्रक चालक की इसमें कोई गलती नहीं थी, क्योंकि तेज रफ्तार मल्टी यूटिलिटी वाहन यानी MUV ट्रक के पिछले बाएं हिस्से से टकराई थी। पुलिस का कहना है कि वाहन चला रहे युवा कार मालिक की इस घटना में मौत हुई है, इसलिए मौजूदा कानून के तहत उसे जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। पुलिस मामले में संभावित कार्रवाई का पता लगाने के लिए कानूनी विशेषज्ञों से राय ले रही है। हालांकि फिलहाल कहा जा रहा है कि ट्रक ड्राइवर को हिरासत में लिया गया था, क्योंकि आमतौर पर जब एक्सीडेंट होता है तो दोनों पक्षों से ही लोगों को पहले हिरासत में लिया जाता है और उसके बाद पूछताछ के बाद ही उन्हें छोड़ा जाता है। मृतकों में से पांच देहरादून के रहने वाले थे, जबकि एक चंबा का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि दुखद हादसे से पहले ये सभी लोग देर रात ड्राइव के लिए गए थे। वहीं इनका एक CCTV फुटेज भी वायरल हो रहा है, जिसमें गाड़ी तेजी के साथ निकलती हुई नजर आ रही है। हालांकि इसके अलावा एक और फुटेज वायरल हो रहा था, जिसमें देखा जा रहा था कि ये सभी लड़के और लड़कियां ड्रिंक कर रहे थे। इस घटना को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। ढेर सारी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज इंडिया।